फ्रेंड्स, आपने सुनी यहाँ पर कई बातें। अरविंद केजरीवाल भी कहते नजर आए, संजय सिंह, स्वाति मालीवाल मामले में पहली बार बोलते हुए नजर आए। हालांकि संजय सिंह ही वो शख्स जिन्होंने आकर ये जानकारी दी थी कि हाँ, सीएम दफ्तर में स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है और जो भी इसके पीछे है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन स्वाति मालीवाल पर एक बार फिर से जब सवाल कार्रवाई को लेकर पूछी गई तो संजय सिंह ये कहते नजर आए कि आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। वो ये भी गिनाते और दिखाते नजर आए कि इससे पहले भी किस तरह स्वाति मालीवाल जब अलग अलग जगहों पर गई तो उनके साथ गलत हुआ, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सख्त एक्शन वो लेंगे। श्रीवास्तव हमारे समाज सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और अपडेट के साथ। समर, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर तो बोलते नजर आए, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल केस में वो बोलते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अर्पिता, आज तक ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, अभी अभी अखिलेश यादव और केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जब आज तक ने स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल किया तो जवाब उन्होंने घुमा कर दिया और मणिपुर का जिक्र किया। उसके बाद दोबारा जब सवाल किया गया और जब ये पूछा गया कि आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजय सिंह ने की और एक्सेप्ट किया था, उस पर संजय सिंह ने जवाब नहीं देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। हालांकि स्वाति मालीवाल के बयान को लेकर उन्होंने ये जरूर कहा कि स्वाति मालीवाल जब पहलवानों का प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा था, जब वहां गई थी तो वहां पर पुलिस से किसने दुर्व्यवहार उनके साथ करवाया था, इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। हालांकि जो आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं विभव कुमार पर, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल हो चाहे संजय सिंह हो, दोनों ही नेताओं ने चुप्पी साधी रखी। आज तक के 2 से 4 बार लगातार सवाल करने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया। और आखिरी में जब यह सवाल किया गया कि संजय सिंह से कि आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लेकिन इसके बाद भी आप जवाब नहीं दे रहे, तो इस पर आपने देखा किस तरह से फ्रेम में किस तरह से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर यहां से चले गए, तो मोटे तौर पर उन्होंने बात रखी भी लेकिन खुलकर उस बारे में जवाब नहीं दिया है। तो ये बड़ी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आपको मैं दिखा दूं, यही इसी बैकग्राउंड पर यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहीं पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और अखिलेश यादव मौजूद थे और जब सवाल किए गए तो उन्होंने तमाम बातें की, बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेरा, लेकिन जो असल सवाल था मालीवाल को लेकर उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं चुप्पी साधी रखी और अपने तरीके से बयान इतना दिया केवल कि उसका भी जवाब देना चाहिए जब उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से संजय सिंह ने चीजों को एक्सेप्ट किया था और यह तक कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर फिलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अभी तक कोई बयान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना ही संजय सिंह द्वारा कोई बड़े तौर पर दिया गया है और अरविंद केजरीवाल ने तो फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार सवालों के आज तक इंडिया के लगातार सवालों के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधी रखी। बल्कि यह भी यहां पे देखा गया कि उस सवाल का, जो सवाल मालीवाल का होता है तो अरविंद केजरीवाल से होता है लेकिन जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं आता है बल्कि माइक संजय सिंह अपनी तरफ कर लेते हैं और संजय सिंह की तरफ से इस पूरे मामला में जवाब दिया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है और वहीं इंडिया अलायंस के जो अन्य दल है, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, वो सभी फिलहाल इस पूरे मामला को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है, रहिए जरा आप समर्थ, आपसे थोड़ी देर पहले आपने जब विभव से भी बात करने की कोशिश की, किस तरह वो चुप्पी साधते नजर आए, जरा वो भी देख लीजिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय में है, केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और विभव कुमार भी यहां पर पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि विभव कुमार से सवाल लिया जाए कि जिस तरह से जो आरोप लगे हैं उसके बाद उनका क्या कहना है। इस गाड़ी में विभव कुमार मौजूद हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की कि विभव जी एक मिनट बात करेंगे प्लीज, आप विभव जी से बात करेंगे, सर एक बार बात करेंगे, सर विभव जी, सर बात तो आप जवाब तो दे दीजिए सवाल का। विभव कुमार जी, सर शीशा नीचे करिए एक मिनट सर, खाली विभव जी कुछ बोलेंगे आप, स्वाति पालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं आप पर, सर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी जो है जिस तरह से कहा, कुछ कहेंगे सर आप? विभव जी को आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन अभी फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो शीशा है गाड़ी का उसको भी नीचे नहीं कर रहे हैं। विभव जी कुछ आप कहेंगे?
तो देख सकते हैं आप, हम एक बार और कोशिश करेंगे सवाल लेने की विभव जी से। विभव जी खाली इतना बता देंगे कि सर कुछ आप लोगों को पार्टी की तरफ से कहा गया है कि नहीं कहा गया है? विभव जी जो आपके नेता हैं राज्यसभा से एमपी भी हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं, यू कैन क्लियरली सी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से विभव कुमार यहाँ मौजूद है, लेकिन किसी भी सवाल के आज तक और इंडिया टुडे ने जब सवाल किए हैं तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। मैं एक बार उनसे फिर कोशिश करूंगा। विभव जी जस्ट वन क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं विभव कुमार जी यहाँ मौजूद है, लेकिन हमने उनसे कई सवाल, कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया एक बार शीशा नीचे करके बात करने के लिए भी, लेकिन कोई उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।